सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हम अपनी स्टोरी जिन लवर के पार्ट 5 के साथ। आई होप गाइस अपने इतने दिनों में एंजॉय किया होगा और आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे, जहां भी होंगे और मेरी प्रीवियस स्टोरीज को एंजॉय किया होगा। तो मैंने आपसे पोस्ट उठा के बोला था कि मेरे एग्जाम्स हैं, मेरे सेकेंड सेम के एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं अपडेट नहीं कर पाई थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो आई होप आपने मेरी प्रीवियस स्टोरीज को एंजॉय किया होगा। मैं अपनी स्टोरीज लेकर वापस आ चुकी हूँ और मैं कोशिश करूँगी मैं आपको हर दिन अपडेट करूँ, क्योंकि मेरी कोचिंग चल रही है तो मैं नहीं कर पाऊँगी शायद कभी कभी, तो उसके लिए मैं पहले सॉरी बोल देती हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी मैं हर दिन अपडेट करूँ, हर दिन आपको इन्फॉर्म करूँ, अपनी स्टोरीज आपसे शेयर करते जाऊँ। तो चलिए अपनी ज़्यादा बातें ना करते, अपनी स्टोरी करना पड़े थे। तो हमने अपनी स्टोरी में देखा था कि जो जेवियर जून है वो बोलते हैं विंगो सॉरी लंजा को लंजा फादर बोल रहे थे कि तुम जिन वर्ल्ड में वापस आओ तुमसे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तो जो लंजा बोलता है हाँ भाई मुझे पता है, मैं चाहूँगा विंग से मैं परमिशन ले लूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा, मैं कल ही सुबह निकल जाऊँगा जिन वर्ल्ड के लिए। तो जेवियर जून बोलता है कि ठीक है लंजा, पर जल्दी जाना क्योंकि फादर को गुस्सा आ गया, तो तुम्हें पता है ना फिर क्या होगा। तो वो बोलता है हाँ भाई मुझे पता है, मैं आप टेंशन मत लीजिए, मैं कल सुबह ही चला जाऊँगा। और जो लंजा है वहाँ से चला जाता है और फिर कुछ देर के बाद वो विंग को जाता है कॉलेज से लेने के लिए। और विंग को लंजा होते हैं वो साथ में बाइक पे घर आते हैं और विंग जो बहुत ज़्यादा खुश होता है वो बोलता है लंजा को गगा आपको पता है मैं कितना खुश हूँ, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, आई लव यू गगा, आई रियली मिस यू, मैंने आपको कॉलेज में बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया, आप नहीं आए थे मुझसे मिलने। तो फिर जो लंजा है वो बोलता है विंग को विंग तुम पढ़ने जाते हो या फिर मुझे कॉलेज में ढूंढने जाते हो, बोलता है नहीं गगा मुझे लगा था लंच ब्रेक में आओगे मेरे, तो आप नहीं आए तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थे बट मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो फिर जो लंचा होता है वो बोलता है सॉरी विंग मैं नहीं आ पाया, तो बोलते हैं कोई बात नहीं गगा मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। और जो लंचा होता है वो थोड़ा टेंस होता है और डरा होता है कि वो विंग को कैसे बोले, क्योंकि उस दिन पहले ही उसने विंग के साथ टाइम स्पेंड स्टार्ट करना किया, बट अब उसको अचानक से जिन वर्ल्ड वापस जाना पड़ेगा, तो वो विंग को क्या बोल कर जाए और विंग से क्या बोले। तो विंग का है वो बोलता है गगा आप कुछ सोच रहे हो, तो फिर जो लंचा होता है वो बोलता है हाँ विंग मैं कुछ सोच रहा हूँ क्या मैं तुम्हें बोलूँ, तो वो बोलता है हाँ गगा मुझे बोल सकते हो। तो फिर जो लंजा जैसे बोलने लगता तो विंग बोलता है गगा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आज अब स्टार्स निकलने के बाद मुझे आसमान में ले जाओगे घुमाने के लिए, तो वो बोलता है हाँ विंग मुझे याद है मैं लेकर जाऊँगा ना। तो ऐसे ही अपनी बातों में लग जाते हैं और वो लंजा जो है वो विंग को बोल ही नहीं पाता। तो फिर जो विंग होता है ना रात पर लंजा के साथ घूमने जाता है, वो उसको अपने साथ ना उड़ा के ले जाता है उसको सब। तो जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है, वो बोलता है लंजा को गगा चलो सो जाते हैं। तो फिर लंजा बोलता है विंग मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो फिर विंग बोलता है कि कोई बात नहीं गगा हम सुबह बात कर लेंगे। तो फिर विंग और लंजा जो होते हैं वो सोए हुए होते हैं। तो फिर जो 5 बजे ना लंजा को जुगेजन की कॉल आती है, वो जुगेजन बोलते हैं कि लंजा तुम जल्दी से घर आ जाओ, तो लंजा जो है वो जल्दी से घर जाता है, वो बोलता है कि भाई क्या हुआ, तो वो बोलते हैं कि देखो फादर चाहते हैं कि तुम अभी के अभी घर आओ और उन्होंने मुझे ये बटरफ्लाई के थ्रू ये मैसेज भेजा था, देखो मैं तुम उनको रिप्लाई कर दो इस मैसेज का, तुम बोलो कि मैं आ रहा हूँ। तो फिर जो लंजा होता है वो बटरफ्लाई को वापस रिटर्न करता है, बोलता है कि फादर मैं आ रहा हूँ। तो फिर जो लंजा उसके पास टाइम ही नहीं मिलता कि वो विंग का वेट करे, विंग का बॉल करता है, तो वो क्या करता है विंग के लिए नोट छोड़ के जाता है और एक बटरफ्लाई भी छोड़ के जाता है, जिसमें वो लंजा को लंजा विंग को बोलता है विंग आई एम रियली सॉरी तुम्हें कल से ही बात बोलने की कोशिश कर रहा था, मैं तुम्हें नहीं बोल पाया, तुम इतने हैप्पी थे तो मैं सैड नहीं करना चाहता था, मुझे अचानक से फादर ने बुला लिया है मुझे वापस जाना होगा, आई एम रियली सॉरी विंग। तो विंग और विंग के लिए एक नोट भी छोड़ कर जाता था। विंग उठता है और सब कुछ देखता है, तो विंग ना बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, बोलता है अब मुझसे मिले भी नहीं और चले गए, कोई बात नहीं मैं आपका वेट कर लूँगा। और जो फिर जैसे ही लंजा जो है अपने जिन वर्ल्ड में पहुँचता है और हमें पता चलता है कि जिन वर्ल्ड में ना लंजा के फादर ने लंजा की एंगेजमेंट फिक्स कर दी है फ्या के साथ। तो फिर जो लंजा है वो अपने फादर की तरफ देख रहा होता है और अपनी मम को बोलता है कि मम ये सब क्यों हो रहा है, तो उसकी मम बोलती है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी एंगेजमेंट अपने बेस्ट फ्रेंड फ्या के फादर के फादर जो हैं उनके उनकी बेटी फ्या के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स कर रही हो और आज तुम्हारी एंगेजमेंट है। तो फिर लंजा बोलता है मदर आप सब कुछ जानती है ना कि मैं विंग से प्यार करता हूँ, तो मैं विंग को कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं अपने विंग को धोखा नहीं दे सकता। तो उसकी जो मदर होती है वो बोलते हैं कि लंजा तुम्हें ये शादी तुम्हें एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए, उसके बाद तुमने सब कुछ
तुम करो ये सब कुछ। तो फिर जो है वो बोलता है कि नहीं, मैं अपने विंग को धोखा नहीं दूंगा, मैं विंग से प्यार करता हूँ, अपने विंग को नहीं छोड़ सकता। तो फिर वो जाता है अपने फादर के पास और अपने फादर को बोलता है, फादर आप ये सब क्या कर रहे हो, आप ये सब कुछ ड्रामा जो नाटक है बंद कीजिए, मैं नहीं कर रहा शादी किसी के आफे या किसी के साथ एंगेजमेंट, मुझे ना सिर्फ मैं विंग अपने विंग से प्यार करता हूँ और अपने विंग के पास जा रहा हूँ। तो फिर जो फादर उसके होते हैं वो बोलते हैं कि लजा मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे पता चल चुका था कि तुम उस इंसान लड़के से प्यार करते हो और जो जगह जो है वो मुझे धोखा दे रहा है, क्योंकि मैंने कुछ अपने सिपाही भेजे थे वहाँ और तुम वहाँ पर नहीं थे, तुम उस लड़के के साथ लड़के के साथ थे, उसे आसमानों में घुमा रहे थे, उसको तुमने ये बता दिया कि तुम एक जिन हो, तुम्हें नहीं पता कि इंसानों को पता चल गया कि हम जिन भी यहाँ रहते हैं, हमारा क्या हाजिर करेंगे, तुम्हें नहीं पता है मैं उस वर्ल्ड में नहीं जा सकता हूँ। तो फिर लंजा बोलता है, फादर वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, मैं विंग से प्यार करता हूँ और विंग को मेरे जिन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं जिन हूँ, तो आपको क्यों प्रॉब्लम है। तो फिर जो फादर होते हैं वो बोलते हैं, लंजा तुम्हें मुझसे कैसे बात करे हो, उसकी मदर बोलती है देखो तुम्हारा बेटा मुझसे कैसे बात कर रहा है। तो फिर वो बोलता है कि कैसे बात कर रहा हूँ फादर, मैं सिर्फ अपने विंग से प्यार करता हूँ। तो फादर से वो बोलते हैं कि तुम इस लड़की से शादी अभी के अभी एंगेजमेंट करो वरना मैं तुम्हारे विंग को मार दूंगा। और जब लंजा देखता है कि उसके विंग को कुछ जिन सिपाही ने इनविजिबली तरीके से उस पर अटैक कर रखा हुआ है और वो विंग को मार देंगे, तो फिर जो लंजा है वो विंग को वो बोलता है ओके फादर मैं आपकी खुशी के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर विंग जो लंजा होता है जिवेजन भी वहाँ आते हैं और जिवेजन को भी उसके फादर जो है दो का थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने भाई का साथ दे रहे हो सब कुछ गलत काम करने में, तुम्हें पता है ना ये सब कुछ कि इसके बदले क्या हो सकता है। तो फिर जो जिवेजन है वो कुछ नहीं बोलते और सर झुका के अपने फादर की पनिशमेंट होते हैं वो ले रहे होते हैं। उसके बाद जो फिर लंजा की है एंगेजमेंट हो जाती है फ्याफ्या के साथ और फिर जो फादर है वो बोलते हैं लंजा को कि तुम वहाँ जाओगे और लड़के को बोल दोगे कि तुम उसे प्यार नहीं करते, तुम्हारी ऑलरेडी फोन से है तो तुम अब जब भी ह्यूमन वर्ल्ड में जाओगे तुम अपनी फैन से फ्याफ्या को साथ लेकर जाओगे। बट फिर जो लंजा बोलता है कि फादर फादर, तो फिर जो जिवेजन है वो विंग को सर से सॉरी लंजा को सर से ना दिखा देते हैं और इशारा कर देते हैं कि विंग जो है उसकी जान खतरे में है, तुम्हें उसकी जान बचाने के लिए ये सब कुछ करना ही होगा। तो फिर जो लंजा है वो ओके बोल देता है और वहाँ से चला जाता है और जाता है फिर रात में अपने भाई के पास और बोलता है भाई मैं क्या करूँ, मैं विंग को कैसे बोलूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर जो जिवेजन है वो तो बोलते हैं कि देखो लंजा तुम्हें अपने विंग की जान बचाने के लिए उसको झूठ बोलना ही होगा, तुम्हें ना ये नाटक करना ही होगा कि तुम विंग से प्यार नहीं करते ताकि विंग तुमसे दूर हो जाए, विंग से तब तुमसे नफरत करने लगे और उसकी जान बच जाए, क्या तुम चाहते हो तुम्हारा प्यार तुम्हारी नज़रों के सामने मारा जाए। तो फिर जो लंजा है वो बोलता है नहीं भाई नहीं भाई मैं अपने विंग को मरता हुआ नहीं ले सकता, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो फिर जिवेजन होते हैं वो बोलते हैं आई एम सॉरी लंजा मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो फिर जो वो तीनों हैं वो जाते हैं, वो फिर जब सुबह होती है और विंग जो है और लंजा का वेट कर रहा होता है और लंजा जो है फ्याफ्या को साथ लेकर जाता है और सीधा वो बोलता है भाई मैं विंग के पास जा रहा हूँ, मुझे विंग को देखने का दिल कर रहा है, क्या मैं विंग से मिलकर आ जाऊँ। तो फिर फ्याफ्या जो है बोलते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी और जो फ्याफ्या है वो विंग लंजा को बोलती है फादर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ क्योंकि हमारे पीछे ना हमारे इनविजिबल तरीके से हमारे सिपाही हैं तो तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हें फादर ने बोला है। और हमें ऐसा लगता है कि फ्याफ्या जो है वो भी लंजा से प्यार नहीं करती और उसमें ज़्यादा है कि खुश नहीं है बट वो भी किसी मजबूरी की वजह से ही लंजा के साथ आई है और वो लंजा को बोलने की कोशिश कर रही है बट वो बोल नहीं पा रही क्योंकि लंजा जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट है और फ्याफ्या की कोई बात नहीं सुन रहा। फ्याफ्या जब भी वो इधर उधर अपने आस पास नजर घुमा दे उसके सिपाही जो होते हैं उसके ऊपर नज़र कड़ाए बैठे हुए होते हैं तो फ्याफ्या कुछ बोल नहीं पाती और बहुत डर रही होती है। जैसे ही लंजा जाता है और वो विंग की डोर पर बजाता है और विंग जो है वो दौड़ते हुए आता है, उसको पता होता है उसका लंजा आया, जैसे वो डोर ओपन करता है वो लंजा को हक करने वाला होता है तो फ्याफ्या आगे आके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि सॉरी सॉरी विंग बट तुम मेरे लंजा को हक नहीं कर सकते। वो बोलता है मेरा लंजा क्या मतलब मेरा लंजा, लंजा लंजा वो लंजा की तरफ देख रहा होता है और लंजा की आँखों में ना आंसू आ गए होते हैं और वो बोलता है कि सॉरी विंग ये मेरी
फ़ोन से है फ्या फ्या, मैं तुम्हें इससे मिलाने, मैं इसको तुमसे मिलाने के लिए लाया था। मैंने इससे कहा था कि मेरा एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड विंग, तो मैं तुम्हें हमारी इंगेजमेंट पर मिलने लेकर जाऊँगा। तो मैं कल अपनी फ्रेंड से मिलने गया था और उसको लाने गया था तुमसे मिलने के लिए। तो विंग बोलता है, लंजा लंजा कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना लंजा लंजा, वो सब क्या था जो हमारे बीच में था, वो कुछ नहीं था। बोलता है, क्या था विंग हमारे बीच में, हमारे बीच में तो कुछ नहीं था। तो मैं एक ह्यूमन हूँ और मैं एक जिन हूँ, तो जिनके पास दिल नहीं होता वो किसी से प्यार नहीं कर सकते। तो विंग बोलता है कि नहीं लंजा, ये सच नहीं है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो फिर जो लंजा है वो विंग को अपनी रिंग दिखाता है, बोलता है कि देखो, और अपने पावर से दिखाता है कि देखो मेरी और फ्या फ्या की एंगेजमेंट हो चुकी है। वहाँ पे जेवर जिन भी थे सब बहुत ज़्यादा खुश थे। तो फिर जो विंग है उसकी आँखों से खुद ही आंसू निकल रहे होते, वो बोलता है कि गगा तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो, गगा आप झूठ बोल रहे हो, गगा मैं नहीं मानता। वो बोलते तुम मानो या ना मानो, ये सच है भी है, मैं इस लड़के से प्यार करता हूँ, ये मेरी फॉर्म भी है, क्या क्या आई लव यू क्या क्या, और क्या क्या आई लव यू टू रंजा। तुम ये क्या बोल रहे हो विंग, कि तुम्हारा ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड है, मैं इसकी फॉर्म से हूँ, हमारी कुछ दिनों 10 दिनों के अंदर अंदर शादी होने वाली है, और तुम मुझसे बोल रहे हो कि ये तुमसे प्यार करता है, ये तुम्हारे साथ रहना क्या क्या प्रूफ है तुम्हारा। तो वो बोलता है कि लंजा के घर पे मेरी तस्वीरें हैं, हमारी किस करते हुए फ़ोटो। जो विंग लंजा है अपने पावर से उन सब फोटोज को गायब कर देता है और वहाँ पे उसी तरीके से ना फ्या फ्या की फ़ोटो लगा देता है, और विंग की फ़ोटो की जगह अपने जादू से फ्या फ्या की फ़ोटो किस करते हुए लगा देता है। और विंग जो सब कुछ देखता है, विंग को बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुम जिन बहुत ज़्यादा बुरे होते हो, तुम आई हेट यू लंजा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के। तो फिर जो लंजा बोलता है, हाँ हाँ चले जाओ, मैं भी तुमसे कोई प्यार नहीं करता। और जो विंग है वो गुस्से में वहाँ अपने घर से निकल लंजा के घर से निकल आता है और अपने घर जाता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो फिर जो यहाँ लिए वो बोलती है, विंग तुम्हें क्या हुआ है। तो विंग बोलता है, कुछ नहीं चीज़ें, बट वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। तो फिर जो जंगशा होता है वो बोलता है विंग को, जंगशा को सब कुछ पता होता है और यानी को नहीं पता होता कि जो जेवेजन और जेवेजन और लंजा तो है वो एक जिन है। तो यानी जो है वो बोलती है कि जेवेजन तुम्हें पूछोगे, विंग तुम्हें कुछ बताते हैं, कुछ बताएगा तो प्लीज़ मुझे बोलना, मैं तो मुझे बुला रही है, मुझे कुछ काम है, मैं चाहती हूँ। तो वो बोलता है ओके ओके शेजा, मैं विंग से बात करता हूँ। तो विंग जो है जंगशा को सब कुछ बता देता है और जंगशा बोलता है कि विंग तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ना कुछ सस्पेंस है जो जिसको तुम मिस कर रहे हो। मुझे पता है कि जो जिवेजन है वो एक जिन है, और जब भी वो वहाँ बैठा हुआ होता है तो उसके पास ना कुछ सिपाही होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, जो मुझे नहीं दिखते, बस जिवेजन को ही दिखते हैं, और वो उनसे बातें भी कर पाते हैं, और मैं कभी भी उनसे ऐसे नहीं मिल पाता। जब भी वो जिन वहाँ नहीं होते, वो मुझे मैसेज करता है, तब मैं उससे मिलता हूँ, क्योंकि मैं भी जिवेजन से प्यार करता हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है विंग। तो तुम्हें लगता कि शायद विंग ने तुम लंजा ने तुम्हारी जान बचाने के लिए सब कुछ किया हो, या फिर कुछ ऐसा जो हम मिस कर रहे हैं। मैं ना जेवेजन से पूछने की कोशिश करता हूँ। फिर जब जंगशा होता है वो जेवेजन को फ़ोन कॉल करता है, बोलता है कि मैंने सुना कि लंजा की शादी हो गई है, तो बट जेवेजन है वो चाहते हैं कि विंग से कुछ छुपाना रहे, और वो बोलते हैं जेवेजन को, जेवेजन पहले पूछता है कि नहीं, तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारे पास विंग है। बोलता है नहीं, विंग तो घर आया ही नहीं, तो बस मैंने तस्वीरें देखी इस पे लंजा की पोस्ट वड़ी हुई थी, तो मैंने इसलिए देखा, मुझे लगा विंग मत सैड होगा, या फिर विंग को इसे कुछ पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट मैंने अभी भी देखा, तो मैंने तुमसे पूछने के लिए फ़ोन कॉल किया था, और विंग घर नहीं आया, बट जो जंगशा है उसे फ़ोन स्पीकर बढ़ा रहा होता है। तो फिर जो जेवेजन होते हैं वो जंगशा को बोल देते हैं कि जंगशा प्लीज़ तुम विंग को कुछ मत बताना, क्योंकि लंजा नहीं चाहता कि विंग को कुछ पता चले, और वो विंग को जो है ना सब कुछ बोल देता है, और विंग जो है वो भी ऐसे प्रटेंड करने लगता है कि जैसे उसको कुछ भी नहीं पता है। बट जो जंगशा है सॉरी जो जेवेजन है उसको पता चल गया होता है कि जो वहाँ पर विंग भी बैठा हुआ है, क्योंकि उसे चेक करने के लिए वहाँ भेजा होता है। तो फिर वो ना वहाँ पर बात बदल देता है और बोलता है कि हाँ लंजा और विंग की शादी हो गई है, पहले वो सच बोलने वाला था बट उसको अब कुछ डाउट हो जाता है। तो फिर वो बोलता है कि हाँ सच में विंग और लंजा और फ्या की एंगेजमेंट हुई है, कल ही उसकी एंगेजमेंट हुई है, और वो फ्यांस है और बहुत उसे प्यार करते थे, बट लंजा कल उसी से एमरजेंसी में वहाँ पर उसकी एंगेजमेंट थी, तो इसलिए वो
बिना बोल के चला गया था, तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गया, आई एम सॉरी, ना मैं तुम्हें ज़रूर इन्वाइट करता। अब जब यहाँ पे उनको रिसेप्शन रखूँगा मैं, तो तब मैं तुम्हें ज़रूर इन्वाइट करूँगा, तो तुम ज़रूर आना। तो जब ये सब कुछ विंग सुनता है तो विंग को ना कन्फर्म हो जाता है कि वो बोलता है कि नहीं, कोई सस्पेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अंदर सच में मुझसे प्यार नहीं करता, बस ने मेरा सिर्फ यूज़ किया। तो विंग होता है वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, और बहुत ज़्यादा रोता है, वो जो अंजा होता है वो उसको देख रहा होता है, तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। और वो फिर उसको उसके फादर जो है वो अपने सिपाहियों को वापस बुला लेते हैं। फैफे जो है वो विंग को बोलती है कि सॉरी, रंजा को बोलती है, रंजा मैं तुम्हें कुछ से कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और वो जो है वो मेरा सिपाही जैसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, हम बचपन से उससे प्यार करते हैं, और मैं अपने फादर की वजह से, तुम्हारे फादर ने ही मेरे घर पर रिश्ता भेजा था तुम्हारे लिए, इसलिए मैं अपने फादर की ज़बरदस्ती की वजह से ये शादी कर रही हूँ। प्लीज़ रंजा, तुम हमारी शादी मत हो देना, हमारी शादी को रोक लो, क्योंकि मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती, मैं मर जाऊँगी। तो रंजा बोलता है कि तुम ऐसा कुछ भी मत करना, इससे मेरे विंग की जान खतरे में आ जाएगी, तो मैं कुछ करूँगा तो मैं तुम्हें बोल दूँगा। तो वो बोलती है कि ओके, बट मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो बोलता है कि तुम अभी विंग को कुछ भी मत बताना प्लीज़। तो वो बोलते हैं कि ओके प्रॉमिस, मैं विंग को कुछ भी नहीं बताऊँगी। तो अब हमें देखना ये है, क्या फ्याफ्या विंग को सच बता देगी, या फिर ये जो राज है ये राज ही रह जाएगा। तो ये देखेंगे अपने वाला नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए कि ओके बाय और टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, और अपना सेफ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और मेरी स्टोरी को लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी स्टोरी पसंद आई तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तब तक के लिए ओके।